हर इंसान के शरीर पर कहीं ना कहीं तिल जरूर होता है, जिसे लोग खूबसूरती से जोड़कर देखते हैं। ये हमारे शरीर पर काले निशान के होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में इन तिलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, जिनमें कुछ तिल शुभ होते हैं तो वही कुछ अशुभ फल भी देते हैं। इस शास्त्र के अनुसार हर तिल से जुड़ी कुछ खास बातें होती हैं। कुछ लोग तिल को सिर्फ एक काला निशान समझते हैं, तो कुछ इसे भविष्य की घटनाओं से जोड़कर देखते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि शरीर की किन किन जगहों पर तिल शुभ माना जाता है। आगे का वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल न्यूज नेशन श्रद्धा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। अगर किसी के अंगूठे पर तिल होता है तो वो इंसान वाकई में बहुत किस्मत वाला होता है। अंगूठे पर तिल वाले लोगों को काफी चतुर और बुद्धिमान माना जाता है। बाएं गाल पर तिल वाले लोगों की ख्वाहिशें काफी बड़ी होती हैं। ये लोग अपने जीवन में काफी कुछ करना चाहते हैं और बदलते वक्त के साथ साथ कई नई चीजें एक्सप्लोर करते रहते हैं। इन लोगों का दिमाग भी बहुत तेज होता है। जिन लोगों की सीधी आंख पर तिल होता है वे लोग बहुत कामुक होते हैं। इसके अलावा ये लोग प्यार के मामले में काफी भावुक और नाजुक होते हैं। सीधी आंख पर तिल वाले लोग खुद पर निर्भर रहने के बजाय दूसरों की मदद पर निर्भर रहते हैं। होंठ पर तिल होने के दो मतलब हो सकते हैं। अगर आपके होंठ के दाहिनी ओर तिल होता है तो आप जो भी काम करते हैं उसमें सफलता जरूर हासिल करते हैं, लेकिन अगर आपके होंठ के बाईं ओर तिल है तो आपका व्यक्तित्व कामुक है, जिसकी वजह से इन लोगों को इस कारण से कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं जिन लोगों के माथे पर तिल होता है उन्हें अपने जीवन की शुरुआत में काफी संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि कड़ी मेहनत के बाद वे अपने जीवन में भाग्य बदल लेते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो जाता है। इसका मतलब है कि ऐसे लोग बहुत पैसा कमाएंगे और बहुत यात्रा करेंगे। यदि आपके कान के पास तिल है तो इसका मतलब है कि आप भविष्य में बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीने वाले हैं। आपका वैवाहिक जीवन भी काफी अच्छा रहेगा और आपका जीवन काफी खुशहाल रहेगा। साथ ही आपको जिंदगी में एक अच्छा पार्टनर मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।